नमस्कार नया जी। हाँ तो आपने मेरी डील के बारे में क्या सोचा? सर आप फिर आ गए। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैं इन बच्चों को छोड़कर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा सकती हूँ। प्रोफेशन से आप टीचर हैं, लेकिन आपको इतनी भी अकल नहीं कि अपने फायदे की डील को समझ सको। सर देखिए, मैं पैसों के लिए इन बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ सकती हूँ। अगर मैं इनकी मदद नहीं करूँगी तो कौन करेगा? तो आई एम रियली सॉरी टू से, बट मैं आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऑफर को ठुकरा रही हो? अब तुम देखना कि तुम यहाँ पर कैसे एक कोचिंग सेंटर चलाती हो। सर ऐसी बात नहीं। बहुत घमंड है ना तुम्हें इस जगह पर और इन बच्चों पर। बर्बाद करके रख दूंगा, याद रखना। पर सर, कहिए जी। मैम आपने खिलाफ कंप्लेन है कि आप रेसिडेंशियल एरिया में बिजनेस चला रही हैं। बिजनेस नहीं सर, कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं तो बस कुछ बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाती हूँ। इनके घरों में पैसे की दिक्कत है तो। देखिए वो सब हमें नहीं मालूम। ये रहा नोटिस। नोटिस? एक हफ्ते में सारा बिजनेस बंद करके आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दीजिएगा, वरना हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। सर मैं इन बच्चों का ट्यूशन कैसे बंद कर सकती हूँ? इनका सिलेबस बीच में रुक जाएगा और मिड टर्म में कोई इन्हें एडमिशन भी नहीं देगा। और अगर मैं कुछ बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ा भी लेती हूँ तो इसमें दिक्कत ही क्या है? देखिए हमें हमारी ड्यूटी करने दीजिए। आपके पास एक हफ्ते का टाइम है और एक हफ्ते में सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। और सर सुनिए तो, सर आपका काम हो गया, अब बस एक दो दिन में इसका ट्यूशन नेट बंद हो जाएगा। गुड। सब कॉपी कर लो। ये देखिए अभी तक इनका बिजनेस चल रहा है। आप लोग यहाँ? हमारे लास्ट वार्निंग देने के बावजूद आप अपने ट्यूशन सेंटर चला रही हैं। लगता है हमें अपने तरीके से ही बंद कराना पड़ेगा। चलो बच्चों निकलो। अरे रुको सर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपने मुझे एक हफ्ते का टाइम दिया था और अभी इनके एग्जाम्स आ रहे हैं, इनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। अगर सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो जाकर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। सर आप ये कैसी बात कर रहे हैं? ये बच्चे इंस्टीट्यूट जाएंगे, सब गरीब घरों से हैं। और सर मेरी नहीं तो कम से कम इन बच्चों की तो सोचिए ना, कहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, इनका फ्यूचर का क्या? ये सब तो तुम्हें सोचना चाहिए था मुझे मना करने से पहले। अब भक्तो चलो बच्चो, चलो उठो सब लोग। अरे सर प्लीज, अब क्या कर रहे हैं? चलो नमस्कार डीएम साहब, आइए श्याम जी बैठिए। श्याम जी बहुत सुना है मैंने आपके बारे में और आपके इंस्टीट्यूट के बारे में। सर ये तो बस आप लोगों की कृपा है। वैसे सर आपने मुझे किसी काम के लिए बुलाया था क्या? जी श्याम जी, एक बहुत जरूरी काम है मुझे आपसे। अच्छा जी बताइए क्या काम है। वो क्या है कि मैं आपका इंस्टीट्यूट बंद करवा रहा हूँ। क्या क्या कह रहे हैं आप सर, लेकिन क्यों? अभी बताता हूँ। अंदर आ जाओ। श्याम जी आपने इन्हें पहचान तो लिया ही होगा, क्योंकि आपने इनका ट्यूशन सेंटर जो बंद करवाया अपने पैसे और अपनी पावर से, वो भी इसलिए क्योंकि इन्होंने आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाने से मना कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं आपको क्यों बोल रहा हूं। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। आज से 10 साल पहले एक बच्चा था जिसपे पढ़ने लिखने के तो छोड़ो खाने पीने तक के पैसे नहीं थे। फिर एक दिन उस बच्चे को ये मिलती, उसे घर लेके गई, उसे खिलाया पिलाया, स्कूल में एडमिशन कराया और इस काबिल बनाया
कि वो एक दिन अपने पैरों पे खड़ा होके और लोगों की भी मदद कर सके। श्याम जी, आपको पता है वो बच्चा कौन है? वो बच्चा मैं हूँ। और मेरे जैसे कितने ही बच्चों की जिंदगी सवारी है इन्होंने, और आपने क्या किया? आपने अपनी ईगो के चक्कर में इनका ट्यूशन सेंटर बंद करवा दिया और उन बेचारे गरीब बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दिया। आपको शर्म आनी चाहिए श्याम जी। आप सच कह रहे हैं सर, मैं अपने गुस्से और ईगो के घमंड में भूल ही गया था कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपको पता है मैं आप पे केस करने वाला था, आपका इंस्टीट्यूट बंद करने वाला था, पर इन्होंने मुझे रोक दिया क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि आपके इंस्टीट्यूट के बच्चों की जिंदगी खराब हो, उनका फ्यूचर खराब हो। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने बस अपना ही फायदा देखा। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं बच्चों की पढ़ाई और उनका जीवन खराब कर रहा हूं। बट आज के बाद मैं वादा करता हूं कि मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। देखिए, हर किसी के पढ़ाने के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं, पर आप में और मेरे में बहुत फर्क है। आपने ये जो भी किया सिर्फ पैसे के लिए किया, और मैं जो कुछ भी करती हूँ वो सिर्फ अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए करती हूँ, पर मैं अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ सकती। हाँ, पर मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपको आपकी गलती समझ आ गई है। जी, और आज के बाद आपको छत पर पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। आप मेरे इंस्टीट्यूट में आइए, वहां जितने भी गरीब बच्चे को आप पढ़ाना चाहिए पढ़ाइए, वो भी फ्री में। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है, और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus। जोर से बोलो हैप्पी नीडी।